गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा क्लास थर्ड का जीके का चैप्टर नंबर हम 19 और 20 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है कि चूज़ द लेटर फ्रॉम द लेटर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया है इट साउंड लाइक द वर्ड दैट द मीन्स ओशन, मतलब यहाँ पे NGCEO, मतलब यहाँ पे जो सी होगा ये लेटर सी, सी इज अ प्रोनाउंस लाइक सी एंड सी मीन्स ओशन, इसका मतलब ये है। इसी तरीके से इट इज़ द पार्ट्स ऑफ योर फेस, फेस का पार्ट क्या है नोज, तो ये क्या हुआ नोज एन हो गया, ठीक है NOSE। इसी तरीके से क्या होगा इट इज़ द एन एनिमल दैट वाशरमैन कीप्स एट हिज होम। यहाँ पे देखिए बच्चों एक चीज़ नहीं था तो यहाँ पे हमने डी बना दिया, ये डी, डी फॉर डंकी डी फॉर डॉग। तो जो वाशरमैन जो रखते थे एनिमल वह डंकी और जो है डॉग रखते थे, मतलब गधा और कुत्ते वो अपने जो है पास में रखा किया करते थे। इट इज़ द कॉमनली यूज टू द एज बेवरेज, मतलब खाने पीने की चीज़ें, जैसे क्या हो गया ओ मीन्स ऑरेंज जूस हो गया। इसी तरीके से इट इज़ द एन इंसेक्ट दैट मेक्स हनी, बी क्या करता है, बी मीन्स मधुमक्खी, वह क्या करता है जो है हनी बनाता है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है इट इज़ द वेजिटेबल, यह वेजिटेबल है क्या, एक पी, ठीक है पी क्या है आपका वेजिटेबल है, ठीक है। इसी तरीके से आपका दिया गया है इट इज़ द प्रोनाउंस यूज टू द सेकेंड पर्सन यू वाई ओ यू, यहाँ पे पी पी मीन्स मटर PEA। इसी तरीके से आपका एक और दिया गया है इट इज़ द क्वेश्चंस वर्ड W व्हाट व्हाई व्हेन वेयर एंड सो ऑन। इसी तरीके से बेटा हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन दिस पिक्चर, कितने स्क्वायर हैं, तो देखिए टोटल 1 स्क्वायर 2 3 4 5 एंड एक छोटा वाला 6 स्क्वायर है। इसी तरीके से हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू सी, कितने ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो देखिए एक टोटल फर्स्ट ट्रायंगल 2 3 फिर इसके बाद 4 5 6 7 एंड टोटल 8 एंड 9 एंड देन 10, ये 10 ट्रायंगल्स हैं। फिर से देखिएगा टोटल 1 फिर देखिए 2 3 फिर ये देखिए 4 5 6 देखिए ये 6 ये 7 फिर ये टोटल ये 8 फिर ये 9 फिर ये 10 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 20 स्पोर्ट्स एंड गेम, यहाँ पे ठीक है नेशन एंड गेम, यहाँ पे दिया एवरी कंट्रीज हैज़ वन स्पेशल गेम कॉल इट्स नेशन गेम, हर कंट्री के पास एक स्पेशल गेम होता है जिसे नेशन गेम बोलते हैं। इसके बाद मैच द टू कॉलम एंड टू फाइंड आउट ऑफ द नेशन गेम टू दीज कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया क्या क्रिकेट, स्पेन क्या है बुल फाइटिंग्स, जापान में क्या है शूमो रेस्टलिंग, इसके बाद स्कॉटलैंड में आपको गोल्फ, अमेरिका में बास्केटबॉल, ब्राज़ील में फुटबॉल, कनाडा में आइस हॉकी, इसके बाद इंडिया में फील्ड हॉकी, न्यूजीलैंड, ठीक है अब आपका जो न्यूजीलैंड में है वो है रग्बी यूनियन, इसके बाद है आपका भूटान में क्या है आर्चरी, इसके बाद मलेशिया में क्या है बैडमिंटन, इसके बाद आपका चाइना में क्या है टेबल टेनिस, श्रीलंका में वॉलीबॉल, इसके बाद आपका है अर्जेंटीना में पाटो, इसके बाद अर्जेंटीना में पाटो हो गया, इसके बांग्लादेश में कबड्डी है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर 20 फिनिश होता है, ओके।